अब तो हिंदुत्व के भी नाम पे खेल चर्चा जा रहा है। एक सीरियल आता है अभी जिसको शिव का सीरियल है, क्या नाम है उसका मैं भूल जाता हूं। एक सीरियल आता है टेलीविजन पे महादेव करके, वो सीरियल में यहां तक के बता दिए, यानी इतना नीचा काम चालू है कि वो महादेव अकेले बैठते हैं, ध्यान करते हैं, पार्वती आती है उसके पास में और उसको पूछती है कि भगवान महादेव आप किसका ध्यान करते हैं अकेले में। तो वो डायरेक्टर ने ऐसा बोलने लगा दिया महादेव को कि मैं राम का ध्यान करता हूं। अबे राम की उम्र कहां और महादेव का, वो तो इस देश का देव आदि देव महादेव है। ऐसे कई राम उसके भक्त है, कई विष्णु उसके भक्त हो सकते, कई भगवान उसके भक्त हो सकते, उनको नाम ही दिया है महादेव क्योंकि वो इस देश की सिंधु संस्कृति के निर्माता है, वो इस देश की सिंधु संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस देश की संस्कृति को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, हमारी जो संस्कृति है उसको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। जो लोगों ने महादेव को नहीं छोड़ा वो तुमको कैसे छोड़ सकते हैं। अब तो आदिवासियों को वनवासी बोलने का लाइन इन्होंने खड़ा कर दिया है। वनवासी का क्या मतलब होता है? वनवासी का मतलब होता है जंगल में रहने वाला। जंगल में शेर भी रहता है, सुअर भी रहता है, आदिवासी भी रहता है। किसको बोल रहे हैं आप? इनसे पूछो कि आप आदिवासियों को आदिवासी बोलने से डर क्यों रहे हैं, क्यों घबरा रहे हो? उसको आदिवासी बोलो, वो मालिक है इस देश का। इस देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यस सेटल्ड ट्राइब्स आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ दिस लैंड, दे आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत के मूल मालिक है, इस देश के पहले नागरिक है और इस देश के हर आदमी को सम्मान मिलना, सम्मान देना चाहिए आदिवासियों को, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। साथियों, बिरसा मुंडा की यही लड़ाई थी। जब गांधी जी अफ्रीका में थे और अफ्रीका से भारत में आए तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ रामगढ़ में। रामगढ़ में पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। गांधी जी वहां पर गया झारखंड में और ऐसा बोर्ड लगा हुआ था, ऐसा ही अपना कार्यक्रम का मंडप चल रहा था, उस पे से लिखा हुआ था महामानव क्रांति सूर्य धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा द्वार। गांधी जी ने वो गेट पढ़ा और सोचा कि कितने लोगों के नाम है। लोगों से जाके पूछा गांधी जी ने कि ये कौन है, ये किसके नाम है? तो लोगों ने बताया गांधी जी ये एक ही आदमी का नाम है। तो बोले इतने सारी उपाधि, हाँ इसको इतनी उपाधि है, तो ये क्या चाहते थे? अपने गोंडी में बोलते हैं मावा नाते मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला है, ये किसी और ने नहीं बोला है, हमारे गांव में हमारा राज चलना चाहिए। अरे प्रसाद बाद में बांटना दादा, थोड़ा बैठ जाओ, बाद में सीसी की में, बाद में उच्च नी में, और अपने अपने बच्चों को शांत बिठाओ। तो गांधी जी को जब यह पता चला कि बिरसा मुंडा चाहता था कि हमारे गांव में हमारा राज रहे, तो गांधी जी को एक प्रेरणा मिली। कोट टाई पहनने वाला गांधी जी, कोट भी उतार लिया, टाई भी पहना हटा दिया और लंगोटी बांधा बिरसा मुंडा के जैसा, और पूरे देश में आजादी की लड़ाई के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया। जो गांधी जी बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर इस देश के राष्ट्रपिता कहलाए। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो इस देश का आजा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो आदिवासी है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई देश का प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति क्या कोई आदिवासियों के बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता। ये डरते हैं, आपको खुलेआम आदिवासी बोलने के लिए डरते हैं, आपको वनवासी बोलते हैं। क्यों भाई, क्या बात है, क्यों डर रहे हो तुम? आदिवासियों को वनवासी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपकी पहचान खत्म करना चाहते हैं। इस देश का ओबीसी, इस देश का मराठा, इस देश का मुस्लिम, इस देश का क्रिश्चियन, इस देश का दलित, ये आदिवासियों के वंशज हैं।
आदिवासियों के वंशज है, आदिवासी इस देश का पहला नागरिक है। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, यहां का दलित, यहां का ओबीसी स्वर्गवासी हो जाएगा। यही चाल है। जब तक इस देश में आदिवासी जिंदा है, भारत हिंदू भारत नहीं हो सकता है। अरे हिंदू तो नाम अभी से आया है। इस देश में आदिवासी तब से रहता है जब तक भगवान भी पैदा नहीं हुए थे, तब से आदिवासी आदमी इस जमीन पर रहता है। भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी जमीन पर रहता है। वो ताकत है तुम्हारी। जब बिरसा मुंडा का आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजों का 12 राष्ट्र देशों पर राज था। आज बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से वो 12 देशों के आदिवासियों को भी आजादी मिली है। आपको जो संविधान में आदिवासी बोला गया है, कुछ लोग बताते हैं नहीं नहीं तुम्हारे लिए तो अनुसूचित जनजाति बोला गया। अबे संविधान में आदिवासियों को परिभाषित करने के लिए अनुसूचित जनजाति का शब्द उपयोग किया गया है, क्योंकि आदिवासियों में अलग अलग लोग हैं। गोंड है, मर्दान है, कुरकू है, भील है, आंध है, बाकी कावड़ है, बैगा है। तो जितनी जनजाति है उनको एक जगह लाने की अनुसूची बनाई गई करके उसको अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। वास्तविकता में यही आदिवासी है, यही देश के मालिक है। जो तुमको आके पाठ पढ़ाते हैं कि भैया ऐसा है वैसा है, ये सब गलत है। तुम मालिक हो। हम नागरिक नहीं है इस देश के, हम मालिक हैं। लेकिन हमारे दिमाग में धर्म डाला जा रहा है। धर्म तो 3000 साल पहले पैदा हुआ है। ये शब्द ही धर्म शब्द ही 3000 साल पहले पैदा हुआ है। संस्कृति तो 20000 साल पहले है। जब आदिवासी धर्म की बात करता है तो वो नागरिक बनता है, लेकिन संस्कृति की बात करता है तो मालिक बन जाता है इस देश का। इसलिए थोड़ा सतर्क रहो। आप अपनी संस्कृति की बात करो। बिरसा मुंडा था बारह देव गई, जब जब विचार की इंटरनेट तो बिल्कुल मालूम आता भाई जी और मती की तू। हमारे लिए एक उदाहरण है। एक बार बहुत तूफान आ रहा था, बहुत बरसात आ गई, इधर उधर लोग भागने लग गए। सबसे पुराना मंदिर था जगन्नाथ का मंदिर, सब भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। बिरसा मुंडा ने देखा कि कुछ सुअर, गोंडी में हम पद्दी बोलते हो, अपन पद्दी इन तोड़ मत, तो वो जो सुअर के बच्चे और वो सुअर था वो ठुटर रहे थे पानी में, ऐसे हल रहे थे। तो बिरसा मुंडा ने क्या किया, वो जगन्नाथ के मंदिर का गेट तोड़ दिया और पूरे सुअर के बच्चे और सुअर को मंदिर के अंदर में डाल दिया। सुबह लॉक लगा दिया, सुबह बुरा हंगामा मच गया। बिरसा मुंडा ने क्या कर दिया, ये तो पूरे धर्म को भस्म कर दिया। सुबह ने पूरे पंडे आए, बिरसा मुंडा को सजा मिलना चाहिए, सब लोग खड़े कर दिए। बिरसा मुंडा ने बोला ठीक है भाई मैं आ रहा हूं, सब खड़े हो जाओ, क्या सुनाते हो बोलो। तो पंडों ने बोला नहीं तुमको तो सजा मिलनी चाहिए। तो बिरसा मुंडा ने बोला ठीक है, लेकिन मेरी कुछ बात का जवाब देना पड़ेगा। बिरसा मुंडा ने पंडों से पहला सवाल पूछा, ये झाड़ किसने बनाया। तो पंडे बोले ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने बोला तेरे को किसने बनाया। तो पंडे बोले ऊपर वाले ने, ऊपर वाले। फिर बिरसा मुंडा ने बोला ये सूरज को किसने बनाया। तो पंडा बोला ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने बोला ये सूअर को किसने बनाया। तो पंडा बोला ऊपर वाले ने। तो बिरसा मुंडा ने बोला भाई एक ही कारखाने का तो माल है, गोडाउन अलग कैसे रहेगा। ये सोच थी। तब बिरसा मुंडा ने बताया कि इस देश का हर धर्म का आदमी जिस सुअर को कुछ जानवर मानता है, हमारी संस्कृति में उसको नारायण पेन बोलते हैं। ये बिरसा मुंडा ने बताया कि एक कुछ जानवर का भी स्थान हमारे संस्कृति में भगवान के जैसा है। कोवल यानी बंदर, पेंदाम यानी पद्दी, मड़ावी यानी मड़ा,
ये निसर्ग का हमारी संस्कृति खड़ी हुई है। कुछ लोग लूटते थे पहले, मैं जब काम शुरू किया था, अरे ये बिरसा मुंडा कौन है रे भैया, प्रधान है क्या है? तो मैं पूछा उनको कि तुम्हारी गोंड की शादी में, प्रधान की शादी में, भील की शादी में जो घर के सामने गाड़ते हैं और जिसका पूजा करते हैं वो खंभे को क्या बोलते हैं? तो बोले मुंडा। तो हेरी आमिर मुंडा, हमारे इसमें मुंडा यानी उसको देव मानते हैं। ऐसा आदमी जिसने 23 साल की उम्र में अपने आप को अपनी कौम के लिए निछावर कर दिया, वो है बिरसा मुंडा। जब बिरसा मुंडा को पकड़े थे तो उसके सामने एक पेशकश रखी गई थी कि तू माफी मांग ले और ये बोल दे कि तू आदिवासी नहीं है, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देते। ये बात जब बिरसा मुंडा के सामने आई, और बिरसा मुंडा को क्या कर रहे थे आप देखो, बकरे को काटने के बाद जैसा उसका छिलटा निकालते चमड़ी निकालते हैं, ऐसे बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाल रहे थे रात भर, उसको तकलीफ दे रहे थे, उसको तड़पा रहे थे और बोल रहे थे कि निक निक तो इस देश का आदिवासी नहीं है। बिरसा मुंडा ने बोला मर गया लेकिन बोलते रहा मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा, मेरी आने वाली कौम भी देश की मालिक थी है और रहेगी। ये लड़ाई कौन से राजा ने लड़ा तुम्हारे लिए, कौन से भगवान ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, नाम बताओ। आज हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों के पास में है, ये बिरसा मुंडा की देन है। अरे यहां तो राजाओं ने ही जमीन मार ली आदिवासियों, नेताओं ने आदिवासियों को लूट लिया। ये वो शहीद है जिन्होंने तुम्हारे लिए लूट कर लड़कर जमीन को छीना और तुम्हारे बीच में डाली। 1911 के पहले के रिकॉर्ड निकाल लो, आपके हिस्से में क्या आया था देखो, और उसके बाद में आपके हिस्से में क्या आया था, क्या मिला और तुम मालिक कैसे बने जमीन के, उसका इतिहास आप लोगों ने देखना चाहिए। ये मामूली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अरे जैसे बिरसा मुंडा को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपना गुरु माना, जिस बिरसा मुंडा से गांधी जी ने प्रेरणा लिया, उस बिरसा मुंडा से आदिवासियों ने क्यों नहीं प्रेरणा ली, ये सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है। ये सवाल हमारे लोगों को पूछा जाता है कि आखिर ये समाज बिरसा मुंडा के विचारों से दूर क्यों है, कैसे 130 साल लग गए बिरसा मुंडा के पुतले को हमारे तक आने के लिए, उनके विचारों को हमारे तक आने के लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कुछ चीजों पर हम लोगों को बहुत जरूरी है सोचना चाहिए।